काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। तो भगवान शिव के रुद्राभिषेक से ऐसे आश्चर्यजनक लाभ मानव मात्र को प्राप्त होते हैं, आज हम उसी की आपसे चर्चा करें। रुद्र अर्थात भूत भावन भगवान शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं मित्रों। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुतम दुखम दवयति नाश तीति रुद्र, यानी जो भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप भी हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से महापातक कर्म, महापातक पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है। तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होने लगता है और उनके सभी प्रकार के जो मन की इच्छाएं हैं वह भी पूर्ण हुआ करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा भी स्वतः हो जाया करती है, ऐसा संत और महापुरुष कहते हैं। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मकः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा भगवान रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों और पूजन सामग्रियों को बताया गया है। साधक जो करता है, जो भक्त है, रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथों को लेकर के किसी खास मनोरथ पूर्ति करने के लिए वह रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करता है, रुद्राभिषेक कराता है। सामग्री विधि विधान से होती है। तो आइए हम भी आपसे चर्चा करते हैं कुछ दिव्य पूजन के विषय में कि रुद्राभिषेक से होता क्या है। रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली के महापाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं और शिवत्व का हमको प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों हम आपसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से और किन वस्तुओं से अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल से अभिषेक करने पर वर्षा अत्यधिक होती है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी होते हैं। असाध्य रोग यदि आपके जीवन में हो, वो शांत ना हो रहे हो तो जल के अंदर कुश को डाल करके उससे अभिषेक करना चाहिए। भवन वाहन के लिए अगर भवन और वाहन से आप वंचित हो रहे हैं तो दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी अर्थात भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो, तो गन्ने के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। धन वृद्धि करने के लिए शहद और घी से भगवान का अभिषेक करेंगे। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। मित्रों इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करने से समस्त प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से और संतान उत्पन्न होकर के मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान भी उत्पन्न होती है। जब माँ के गर्भ में शिशु हो उस समय यदि वो रुद्राभिषेक करे तो सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर शीत और ये सारी समस्याएं आपके जीवन में हो तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। सहस्त्र मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है और प्रमेय रोग की शांति के लिए दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। मित्रों शहद मिले हुए जल से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाया करता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर जो शत्रु हैं वो शत्रु पराजित हो जाया करते हैं। शहद के मिलाकर के जल में शहद को मिलाकर के या केवल शहद से भी अभिषेक करते हैं तो तपेदिक इत्यादि जो यक्ष्मा इत्यादि का रोग होता है उस रोग से छुटकारा प्राप्त होता है। समस्त प्रकार के पातकों को नष्ट करने की कामना यदि आपके मन में हो
तो भी शहद से आप अभिषेक करें। गोदुग्ध तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति को जल मिश्रित जल लें और उसमें थोड़ा सा शक्कर मीठा मिला करके अभिषेक करें। ऐसे अभिषेक से भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको संतान की प्राप्ति कराते हैं। परंतु विशेष अवसरों पर सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि आदि पर्वों पर मंत्र, गोदुग्ध एवं अन्य दूध मिला करके केवल दूध से जलाभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चीनी अलग अलग और सभी को मिला करके फिर पंचामृत बनाया जाता है, फिर अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो तो भी अभिषेक का विधान बताया गया है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए और पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, उत्तम फल देता है। किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत शीघ्र ही चमत्कारिक शुभ परिणाम प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत शीघ्र ही प्राप्त हुआ करता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का भी विवरण प्रदान होता है। वेद और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काट करके उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था और सिरों से हवन करके अग्नि में अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोकी विजय हो गया था। भस्मासुर ने भी शिव का अभिषेक किया, अपनी आंखों के आंसुओं से किया था और वह भी भगवान के वरदान का कृपा पात्र बना। काल सर्प दोष हो, ग्रह क्लेश हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, शिक्षा में रुकावट हो रही हो, कार्यों में कमी आ रही हो या कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, तो इन सब के लिए, अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए आप रुद्राभिषेक करें। ज्योतिर्लिंग एवं तीर्थ स्थान, शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण, सोमवार आदि पर्वों पर या कोई भी शिव वास देख करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें। वस्तुतः शिवलिंग पर अभिषेक आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं साधक को प्राप्त होती हैं। मित्रों, इसी के साथ हम आपसे पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।